अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एशियन कुजीन वन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही इजी, चॉकलेट केक बॉक्स विद हॉट चॉकलेट सिरप। जब भी क्रीम केक के लिए स्पंज केक रेडी किया जाता है तो इस तरीके से ऊपर लेवल करने के लिए कट कर देते हैं और ये जो एक्स्ट्रा केक बच जाता है, आज उसी एक्स्ट्रा केक से हम बनाने वाले हैं चॉकलेट बॉक्स। और उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। इसको खाने के बाद आप डेफिनेटली कहने वाले हैं नाउ लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, मैदा 1 टेबलस्पून, दूध 350 से 400 ml लेंगे। अगर गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो 350 ml दूध यूज़ होगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर 400 ml दूध यूज़ कर रही हूँ। और अब चूल्हा ऑन कर देंगे और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसमें मक्खन ऐड करेंगे 50 ग्राम, मिल्क चॉकलेट 50 ग्राम, और दोनों को इसमें डिसॉल्व होने देंगे। आंच हल्की ही रखनी है। जब ये डिसॉल्व हो जाए तो इसके अंदर आपने ब्राउन शुगर ऐड करनी है 3/4 कप। स्पंज केक में चीनी कम होती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका स्पंज केक मीठा है तो लिक्विड सिरप में चीनी आपने कम यूज़ करनी है। और हल्की आंच पर इसको 7 मिनट के लिए पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। एंड पे वनीला एसेंस डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। अब स्पंज केक के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और आखिर में इसको व्हाइट मिल्क चॉकलेट से गार्निश कर लेंगे। और इसे गरम गरम ही सर्व किया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये इजी क्विक रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी बनाई हुई रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर करें। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो कीप विजिटिंग, कीप कमेंटिंग एंड ऑफ कोर्स कीप सेइंग वाओ यम। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज। सेंस इज मेड विद लव।